हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम टॉपिक बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वह है फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्सेज। फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्सेज में क्या सिलेबस होता है, क्या क्या पढ़ाई होती है और किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, तब जा कर के हमें सफलता मिलती है। फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, फायर सेफ्टी कोर्स, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, फायरमैन, फायर रेस्क्यू, ये सारी सेक्शन और सारे ट्रेड अलग अलग हैं। आज का विषय है फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग। यदि आप फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। बने रहिए हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखना ज़रूरी होता है, उनमें से कुछ प्रमुख टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक और हम बात करेंगे। फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, वो टॉपिक्स होते हैं जो आपको जानना होता है, बड़ा विस्तार से जानना होता है, वो सारे सब्जेक्ट अगर कोई हैं तो ये हैं। अर्थात यदि आप फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप फायर के बारे में आपको जानकारी होनी ज़रूरी है, यानी फायर क्या होता है, व्हाट इज़ फायर, व्हाट इज़ नेचर ऑफ फायर, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फायर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फायर, तमाम तरह की, यानी फायर से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें आपको इस सेक्शन के अंतर्गत जाननी होती है और सीखनी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें सेफ्टी अर्थात सुरक्षा, हम यहाँ पर बात, चूँकि फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में फायर भी आएगा, उससे सुरक्षा भी आएगा, उसके बाद हेल्थ भी आएगा, तो इस सेफ्टी के अंतर्गत, इस सेक्शन के अंतर्गत आप हेल्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में और फायर से सुरक्षा के बारे में स्टडी करते हैं और जानकारियां प्राप्त करती हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आता है सबस्टांस। कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जिनके वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और इंसान समझ भी नहीं पाता है कि आग कैसे लग गया, कैसे यह दुर्घटना हो गया। हम लोगों ने तो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज किया था, हर एक चीज़ किया था, लेकिन फिर भी आग लग गया। तो ये होता है सबस्टांस। सबस्टांस में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जिनसे रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, एक्सप्लोजन, विस्फोट हो सकता है। उनके बारे में आपको जानकारी, किस अवस्था में आता है, किस सिचुएशंस में आता है, ये सारी जानकारी आप इस सेक्शन के अंतर्गत करती हैं। अब बारी आती है प्रिवेंशन अर्थात रोकथाम बचाव। कैसे आप करते हैं रोकथाम और बचाव की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको पूरा सिस्टम यानी फायर मैनेजमेंट सिस्टम का वो सेक्शन पढ़ना होता है जिसमें तमाम तरह की अवस्थाओं के बारे में हैजर्ड के साथ आपको एक्सप्लेन मिलता है और वो चीज़ जान पाते हैं। सबसे ज़्यादा जो अहम बात आती है, जो जिससे सबको खतरा होता है, वो होता है आग का फैलना, ठीक है, वह आग का फैलना। आग का जो फैलना होता है, जिसे हम फायर स्प्रेड कहते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलती है। तो आग को फैलने से रोकना क्या है, यही एक एक फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग इंजीनियर ये कोशिश करता है कि हम आग को फैलने से रोक पाएँ। जब हम आग को फैलने से रोक पाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से वो फायर ट्रायंगल में से किसी एक पॉइंट्स को हम लूज करते हैं या उस पर हम कंट्रोल पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो हर जगह अवेलेबल है। इग्निशंस, इसके बाद इग्निशन, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन वर्क करते हैं जो एक इग्निशन से काम करते हैं। इग्निशन का जो तात्पर्य होता है, वो सारी मशीनें जहाँ पे पावर को कनेक्ट किया जाता है, ऑन ऑफ किया जाता है और वहाँ से वह वर्क करना शुरू करता है, तो इसको हम साइंस की भाषा में इग्निशन वर्ड से संबोधित करते हैं या बताते हैं। फायर ड्रिल आता है। फायर ड्रिल एक तरह का ऐसा अभ्यास है कि आपातकालीन में या कभी कुछ इस तरह की घटना लगती है, आग का होना या लगना पाया जाता है, तो उस समय हमें कौन कौन से रोल निभाने हैं, किसकी क्या ड्यूटी है, क्या वह उस तरीके को फॉलो कर रहा है कि नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्क के बारे में। रिस्क हर जगह, रिस्क अवेलेबल है, तो रिस्क को आपको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ कहाँ रिस्क है।
रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका असेसमेंट करना है, जिससे आपको पता चल सके कि हमारे इस साइट पे ये इस इतने तरह के खतरे अवेलेबल हैं, बाकी ये और भी आपको सहायता मिल जाती है। इसके बाद आता है जिसे आप पीपीई कहते हैं या सेफ्टी मटेरियल्स कहते हैं। सेफ्टी मटेरियल्स जो होता है वो साइट पे ज़रूरत होता है, साइट पे जो लोग वर्क करते हैं चाहे आपके एम्प्लाई हो या वर्कर हो, उनके लिए सेफ्टी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जिनसे कि उनका खुद का और व्यक्तिगत रूप से उनका सुरक्षा हो सके। आगे की अगर हम बात करें तो इसमें और भी जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं हमारे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बारे में आपको इस सेक्शन में पूरी जानकारी लेनी होती है, और जो वातावरण है किस तरह का वातावरण है, किस तरह का एटमॉस्फियर है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो ये तमाम जानकारी भी आपको होनी चाहिए। मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और फायर के अकॉर्डिंग, हेल्थ के अकॉर्डिंग और कंपनी के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अब अगली बारी आती है केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल आग जो लगता है, जैसा कि आप जानते हैं कि आग का उत्पत्ति होना या पाया जाना यह एक केमिकल रिएक्शंस है, तो केमिकल रिएक्शन यहाँ भी हो रहा है और फिर जब आग शुरू हो जाता है तो वहाँ पे और भी खतरे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अन्य चीज़ों से भी रिएक्शन के खतरे बढ़ते हैं। तो उसके दौरान आपको क्या करना है, क्या आपका रोल होगा, क्या ड्यूटी होगा, क्या आप एहतियात बरतेंगे, ये तमाम तरह की बातें इस सेक्शन में आपको सीखने को मिलता है। इसके बाद आता है रेडिएशन। रेडिएशन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आग लगने के लिए ये भी जिम्मेदार होता है। तो रेडिएशन के जितने भी पहलू हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को आपको फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ना होता है। फायर एक्सप्लोजन जो आग के साथ विस्फोट होने के कारण होते हैं, उन चीज़ों को आपको जानकारी लेना, उनको समझना, ये सारी चीज़ें एक फायर सेफ्टी इंजीनियर के लिए बहुत ही महत्व रखती है और जरूरी होती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम फायर, जैसा कि हम फायर की बात कर रहे हैं, फायर हर जगह किसी भी रूप में होना वो नुकसानदायक होता है अगर वह सेफ कंडीशन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इनके वह कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इनसे रोकने में कामयाब हो सकते हैं, वो तमाम तरीके कैसे आपको रोकना है, किस का यूज करना है, कौन सा अग्निशमक आप यूज करेंगे, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, छोटे आग पे तो यूज कर सकते हैं, बड़े आग लग गए तो क्या करोगे, ठीक है। तो इस तरह के उन तमाम केस के बारे में केस स्टडी भी आपको करना होता है, उसको समझना होता है। इमरजेंसी, अब देखिए एक फायर सेफ्टी इंजीनियर को ये जानकारी होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन कौन कौन से होते हैं और उन इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें क्या करना होता है, लीगली और इलीगल, दो लीगल और इलीगल दो कंडीशंस आते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। तो लीगल जो हमें फॉलो करना है, इलीगल जिसे हमें कतई फॉलो नहीं करना है, ये तमाम तरह की बातों को आप जानते हैं। लास्ट आता है आपको जो समझना होता है एक्सीडेंट एंड एफआईआर, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद, कोई दुर्घटना हो जाने के बाद आपको एफआईआर कैसे कराना है, क्योंकि एक आप फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, एक फायर सेफ्टी इंजीनियर हैं, तो आप इस चीज़ को करा सकते हैं। तो इसके क्या नियम होते हैं, किस तरीके से किया जाता है, इन बातों की जानकारी मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज बात किया फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग में जो मुख्य बातें, जो प्रमुख बातें, और इसके अलावा भी और सारी चीज़ें हैं जिनको आपको स्टडी करना होता है, लेकिन इंटरनेशनल और नेशनल स्टैंडर्ड को के अनुसार अगर हम बात करें तो हमें ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है तो हमें जॉब मिलने में परेशानी आती है। बहुत से लोगों का कहना है कि मैंने कोर्स किया लेकिन जॉब नहीं मिल पाता है, इनके कुछ यही कारण होते हैं कि जो कंपनी को चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पाता है, जिस वजह से कंपनी उनको रखना पसंद नहीं करती है और इंसान बेरोजगार हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को समझ लें, अगर आप फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप फायर सेफ्टी ऑफिसर का या मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखने की कोशिश ज़रूर करें। सबका थोड़ा थोड़ा सेक्शन मिलता जुलता सब में है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी
हो गई होगी। यह एक बेस्ट कोर्स है और ये एक डिग्री कोर्स है जो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है आने वाले समय में आपके जॉब के लिए। इसी के साथ ही आप सभी से हम इजाज़त चाहेंगे, यदि आप भी सेफ्टी इंजीनियर बनना चाहते हैं, सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं या फायरमैन बनना चाहते हैं, तो आप इंडिया की बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SST इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं। यह इंस्टीट्यूट हर एक चीज़ में काफ़ी बेहतर है और जब आप जाएंगे तो देखें, खुद ही भी देखेंगे, इसके पहले का यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत ही बेहतर रहा है। इसी के साथ ही आप सभी से इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।